1923 में आज ही के दिन ऑटोमन साम्राज्य के खत्म होने के ऐलान के साथ ही तुर्की में संसदीय लोकतंत्र लागू हुआ था। इसी के साथ तुर्की गणराज्य वजूद में आया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य केंद्रीय शक्तियों की ओर भागने लगा और युद्ध में इनकी बुरी तरह से हार हुई। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सेवर्स की संधि से ऑटोमन साम्राज्य का विभाजन कर दिया गया और तुर्की पर यूरोपीय शक्तियों का अधिकार हो गया। इस फैसले के खिलाफ देश में तुर्की राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। तत्कालीन सैन्य कमांडर मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में तुर्की का स्वतंत्रता आंदोलन चला। 1922 में यूरोपीय शक्तियों को देश से उखाड़ फेंका गया। 1 नवंबर को नई संसद ने सल्तनत की समाप्ति का ऐलान कर दिया, जिसके साथ ही 623 साल पुराने ऑटोमन साम्राज्य का पूरी तरह से अंत हो गया। तुर्की गणराज्य के पहले राष्ट्रपति के रूप में मुस्तफा कमाल अतातुर्क को चुना गया। उन्होंने देश में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार किए और देश को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया। क्रांति के बाद मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने ऑटोमन साम्राज्य के धार्मिक प्रभाव से लोगों को दूर करने के लिए अंकारा को राजधानी बनाया। 1985 में आज ही के दिन मशहूर भारतीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह का जन्म हुआ था। विजेंद्र सिंह ने मुक्केबाजी की शुरुआत बचपन में भिवानी बॉक्सिंग क्लब से की थी। 2004 में विजेंद्र ने एथेंस ओलंपिक में भाग लेकर करियर की शुरुआत की थी, लेकिन इस मुकाबले में वो वेल्टर वेट वर्ग में तुर्की के मुस्तफा कारागोलेव से 20-25 से पराजित हो गए। 2006 में राष्ट्रमंडल खेलों में विजेंद्र फाइनल तक पहुंचे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के बोनगानी मविलासी से हार गए और कांस्य पदक से ही संतुष्ट होना पड़ा। 2006 में दोहा ओलंपिक्स में मुक्केबाजी मिडिल वेट वर्ग में विजेंद्र ने कांस्य पदक जीता। 2008 ओलंपिक्स में विजेंद्र ने इतिहास रचा और मुक्केबाजी की स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। 1999 में आज ही के दिन उड़ीसा में आए चक्रवात ने महातबाही मचाई थी। इस सुपर साइक्लोन से हजारों गांव बह गए और लाखों लोग प्रभावित हुए। पुल, सड़कें, रेल यातायात के साथ साथ संचार के सब साधन ठप पड़ गए थे। इस तूफान के दौरान 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली, जो क्षेत्र के लिए रिकॉर्ड था। इसके करीब 2 हफ्ते पहले ही इलाके में तूफान आया था, जिसमें करीब 150 लोगों की जान चली गई थी और 5 लाख लोग प्रभावित हुए थे। भारत के इतिहास में कुछ सबसे बुरे तूफानों में इसका जिक्र हमेशा होता है। इस आपदा के बीच जाने के बाद भी परेशानी खत्म नहीं हुई थी। कई हफ्तों तक लोगों की भूख और बीमारियों से जान जाती रही। 2001 में एक बार फिर उड़ीसा में मानसून के समय आई बाढ़ से खूब तबाही मची। यह बीते 50 सालों में आई सबसे भयंकर बाढ़ थी। तमाम प्रयासों के बावजूद इसकी चपेट में आकर सैकड़ों लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। और 2005 में दिल्ली में दीपावली के 2 दिन पहले चरमपंथी गुटों ने हमला किया था। शहर के 2 व्यस्त इलाकों पहाड़गंज और सरोजनी नगर के बाजारों में धमाके हुए थे। इसके अलावा शहर के गोविंदपुरी इलाके में एक बस के भीतर भी एक बम विस्फोट हुआ था। कुल मिलाकर इन चरमपंथी हमलों में कम से कम 59 लोगों की मौत हो गई थी। तीनों धमाके शाम 5:30 से 6:05 के बीच हुए, जब बाजार दीपावली की खरीदारी करने वालों से भरे हुए थे। भारत सरकार का मानना था कि इन धमाकों के पीछे भारत विरोधी चरमपंथी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। हालांकि हमले के चंद दिनों बाद पाकिस्तान स्थित एक चरमपंथी संगठन इस्लामिक इनकलाब महाज ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली थी।